हाँ आप लोग बैठो, क्यों परेशान हो रहे हो? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आज तो हमारा ब्लॉग बन रहा है घर पे, हम लोग घर पे हैं अभी आज। अच्छा जी, ये देखिए हमारी बेगम साहबा कितनी बिजी हैं। क्या बिजी भैया, आप क्या कर रहे हो? ये देखो ये बैठ के इनका ये काम हो रहा है। ये पता क्यों ऐसा यहाँ पे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनका साथ में चलता है टीवी, और टीवी इनका ये चल रहा है। क्या काट के रखा है, कहाँ काट के रखा है, क्या बोल रही? मैंने काट रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है भाई? ओके, यहाँ काट के रखा हुआ है। आ रहे हो ना? आओ फिर फटाफट यहीं बैठते हैं। हम लोग का क्या है, जब हम लोग की हो जाती है फुर्सत तो हम सब कुछ बिस्तर पर ही करते हैं। 12:30 आप देख ही रहे हैं, हो चुके हैं, और हमारा घर का कार्यक्रम जो है टीवी रूम से शिफ्ट होकर के अब इस रूम पे आ गया है। यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है हमारे अर्धांगिनी जी का। इनकी दाल वाल बन रही है, कुछ सब्जी इनकी पहले से बन चुकी है, कुकर चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर में साहब ने पूजा पाठ भी चल रही है। अपने मन में बताएंगे नहीं है आपको, बताएंगे तो फिर गड़बड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज तारीख हमारी 4 है और हम जो है आज तैयार होकर बैठे हुए हैं। टाइम है सुबह का कितने बजे? टाइम सुबह के 10:15। आज हमारे कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा हम आएंगे तुम्हारे घर में, आज सैटरडे है, हमारी छुट्टी है। उन्होंने कहा आइए, तो वो लोग भी आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं तो बेबी ने कहा चलो यार हम कुछ बना लेते हैं, तो इसलिए अब कुछ बन रहा है हमारे यहाँ। वो क्या बन रहा है वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है। वो देखो ये भी ढक दिया उसने, वो भी ढक दिया उसने, वो भी ढक दिया, सब ढक दिया उसने, है ना। वो देखिए हिडन यहाँ पे लोग बैठे, ये छुप के बैठे लोग, अपना व्हाट्सएप ये सब हो रहा है। और खाना आप देख रहे हैं हमारा बन चुका है, खाना इज ऑलमोस्ट रेडी, है ना। तो वी आर वेटिंग फॉर दी पीपल टू कम। ओ ये कौन आ गया गोवा से? ये गोवा से कौन आ गया है? अब कौन आ गया भाई, घंटी बज गई है। ओ तेरी, ओ तेरी, ये कौन आ गया रे? ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ये कौन आ गया रे? ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी। ये क्या, अच्छा आज देखो ये दोनों एक ही साड़ी पहन के आई है, व्हाट अ ग्रेट थिंग। अगर अगर अलग अलग दिन पाई होंगी कोइंसिडेंस, ये क्या कोइंसिडेंस है, दोनों ने एक ही साड़ी पहनी आज। लाइट जलाओ पीछे से, लाइट है तो हाँ, ऐसा कैसे? कौन आ गया हमारे घर में? अरे ऊपर आ गया भाई, अरे ये कौन आ गया हमारे घर में? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, बाप रे, अरे वाह भाई। अच्छा देखो ये लोग सब ऑब्जर्व करते फटाफट के, सेम 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 सेम, बैठो बैठो बैठो। हीरो हीरो, क्या बात है, बैठो। एक मिनट, ये देखो हमारा कितना चल रहा है सेल्फी स्टिक। क्या सेल्फी स्टिक चल रही है हमारी? ओ और वो भी विद गिम्बल। पहले ना वैसे सोची यही थी। ये देखो ये आई हमारे घर में नई, ये हमारे घर में एक नया मेहमान आया हुआ है। ऐसा क्यों लगा कि ये आपके पास होगी? मेरे को भी लगा था, हमारे पास थी भी, लेकिन हमारे पास जो थी उसमें गिम्बल नहीं था। ये वो फेस मूवमेंट पे कैप्चर होता है ना, ये देखो पॉज हो जाता है लेकिन कैमरा चेंज नहीं होता। ये देखो ये हो गया हमारा गिम्बल चालू। ओ भाई पूरी नीचे देख, ऊपर मत देख। ऊपर देखने में अच्छा लगता है। देखो ये देखो ये देखो इसका एक्शन देखो, ये हमें पता नहीं कहाँ। ये देखो गिम्बल काम कर रहा है। दूसरा भी जाना, ओ मैं तो भूल ही गया, हमारे पास मैडम नहीं है, मैडम हमारे गिम्बल में है। मैडम तो किसी ना किसी तरीके से खींच ही लेता है उसकी। कौन सी मैडम? ये मैडम की बात ही कर रहा हूँ। ये देखो ना, ये देखो बंगाली लग रही है, बट हैप्पी बंगाली, बंगाली जो खुश होते नहीं सिखा दिया मेरे को, गुड़दे ही रहते हैं जितने पे। अभी मैं माइक लगाऊंगा इसमें ये वाला, तो फिर और मजा आएगा। मेरे को खाता ही नहीं है सब।
ये वाली बात बहुत सुपर। एक बार ये बात फिर से बोल एक बार कि पापा और तेरे नाना जी दोनों फ्रेंडली रहते थे हमेशा, और इसलिए फ्रेंडली रहते थे क्यों? उम्रा सेम लग दिया थी। भी माय डैड हैज नेवर स्पोकन इमैच्योर, इसलिए मैं अपने आप को मार लेता। नहीं नहीं, ही वाज ओवर मैच्योर एक्चुअली। नहीं नहीं, एक तरह को बात बताओ, तेरी बात है समथिंग कोई और का टीवी तो सम कॉमेडी शो कपिल का शो तुम तो हल्दे पर ही नहीं, मैनू हिला के पूछा ऐसा। इस देन मैनू एक गल दस, आई ऑलरेडी न्यू व्हाट ही इज गोना आस्क। ही वांटेड टू आस्क कि सर मैनू इतनी हंसी आंदी है, मैनू क्यों नहीं आंदी? सर का जवाब सुन। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा एक्चुअली पापा आपका ह्यूमर इनके ऊपर है ना। कहता हां गल तो ठीक है। आई मैनू भी लगया सी। दो तीन बज गए हैं और अभी तक खाना हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ। ओहो, रोटी मैं बेल दूं? आए तो हम भी। आप बोल रही है, देखा? आप बोल रही है, अगर नहीं तो बोलती नहीं। भाई रोटी में बेल दूं? वो पता है वो क्यों नहीं बिल पाएगी? इसको ऑन कर। हाँ आप लोग बैठो, क्यों परेशान हो रहे हो? असली फोटोग्राफर यहाँ बैठा हुआ है, और ये देखो तो आ गया। अनिल का फोन मैं लेके आता हूँ, उसको अभी आती होगी। लो भाई, वर्नीत कौर एंकर आ गई हमारी आज के कॉन्फ्रेंस की। हेलो, ओहो, ये तो बहुत चकते फटे देश। सिद्धू मूसेवाला सुन के गए थी? सिद्धू मूसेवाला सुन के गए थी? सारी फीकी है। चाय पता नहीं मेरे को आपने बोला और आई होगी। चाय द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स निहाल सिंह। द फ्यू देवी आल्सो वन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बिकॉज़ देवी ने निहाल को बीट कर दिया। निहाल ने देवी को, सॉरी, निहाल ने देवी को बीट कर दिया। हां नहीं, हां ये दो कप चढ़िए यहां पे चाय। ओके बाय बाय। टाइम क्या हुआ? ओ 5:20। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर माय सेल्फी स्टिक। 62 और 162 और 162 हो जाए।
ओके काका अवॉइड करना है से आप ध्यान रखियो यस मुझी भी थोड़ा सा हो आते हैं गुरुद्वारा साहिब आज। अच्छा ये हमारा जो है ये हम लेके आए थे वहाँ से, कौन सा मार्केट था पता नहीं कौन सा, वहाँ से जो हम लेके आए और आज इसको खोला तो देखा इसमें से स्मेल आ रही है, अब जाते हुए इसको वापस कर देते हैं। गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं तो कुछ हम लोग मीठा बाबा जी को चढ़ा देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जब आप किसी घर जाते हो है ना, किसी भी दोस्त के यहाँ जाते हो, किसी भी रिश्तेदार जाते हो, तो आप कुछ ले जाते हो, चलो यार फल ले चले, चलो यार फ्रूट ले चले। तो जब आप भगवान के मंदिर में जाते हो, आपके राम जी के मंदिर हो, शिव जी के मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, गुरु गुरुद्वारा साहिब हो, चर्च हो, या आपका जहाँ भी आप जाते हो, तो वहाँ पर भी तो आपको कुछ ना कुछ ले कर जाना चाहिए अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने भगवान के लिए। तो ऐसे जब आप किसी घर जाते हो तो कुछ लेके जाते हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं लेके जाते? यहाँ भी तो आप किसी के पास जा रहे हो, किसी घर में जा रहे हो, मांगने को तैयार रहते हो, देने को कुछ तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ कोशिश करते हैं, थोड़ी मोड़ी अकल बुद्धि अगर बची हमारे में अपने में सीधे साधे, तो हम कुछ कोशिश करते हैं कुछ अच्छा हो जाए हमसे। आ गए लगता है लोग, कुछ ले आए हैं भाई, क्या ले आए पता नहीं हमको, क्या ले आए? कुछ नहीं, वो तो सोन पापड़ी मिली नहीं, बेसन के लड्डू मिले। हाँ तो ठीक है, वो ले आए। ये है कंचनजंगा मॉडल मार्केट, जहाँ पे जहाँ से हमने वो लिए थे अपने क्या कहते हैं मखाने, पुदीना नहीं, नई दुकान खुली थी, और उस मखाने की आ रही हैं। देखो लगता है कुछ चेंज हुआ है, हाँ लगता तो है, हाथ में कुछ है, कुछ चेंज हुआ तो है, लगता है कुछ चेंज हुआ तो है, हाथ में कुछ लग रहा है मेरे को। चलो गुड, कुछ चेंज हुआ तो हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ से निकलते हैं गुरुद्वारा साहिब, सीधा गुरुद्वारा साहिब। लो जी गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए, बज रहे हैं अब 9:45, 9 बजने में 10 मिनट हम आ गए वापस अपने घर पे। तो इसी के साथ आज हमारा जो है बिलेटेड सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे हो गया, इसमें हमको बच्चों ने और हमारे बड़े भाई साहब ने हमको गिफ्ट भी दे दिए। बड़े भाई साहब ने हमको कहा तुमको ब्लॉग बनाने का शौक है, तुमको हम सेल्फी स्टिक देते हैं जिम्पर वाली, उन्होंने वो दे दी। और छोटा भाई हमारा जो है चाचा जी का बेटा आया था, वो उसकी बेगम आया था, उन्होंने कहा आपको ब्लॉग का शौक है तो हम आपको एक वायरलेस स्पीकर दे देते हैं। अपनी बातों में हंस रही है। खैर तो हमारे को आज ऊपर वाले की दया से और बच्चों के और भाइयों के आशीर्वाद से, भाभियों के आशीर्वाद से हमको एक स्वीट स्वीट बिलेटेड सेलिब्रेशन हो गया हमारे बर्थडे का, जो कि 2 तारीख को था, लेकिन क्योंकि वो वीकडे का था तो हम मना नहीं पाए, और अब जो है वीकेंड था तो हमने कहा चलो मना लेते हैं। ओ अच्छा, हमारे बर्थडे पे ये देखो ये आइसक्रीम खा रही है, आइसक्रीम खा रही हमारे बर्थडे पे। तो इसी के साथ अब हम करते हैं ब्लॉग को समाप्त, और क्योंकि आज वीकेंड था तो एक बार क्या हुआ, एक जनाब थे उनकी तीसरी शादी हुई, अरे भाई सुन रही है, उनकी तीसरी शादी हुई, तो जब वो पहली अपनी तीसरी बेगम को लेके आए तो एक कमरे में लेके बोले देखो बेगम ये लटका हुआ है हमारी पहली बेगम का सलवार कुर्ता, उसका सूट टंगा हुआ है, बेचारी 1 साल में ही चली गई। अच्छा फिर वो दूसरे कमरे में गए, फिर बेगम को अपनी दिखाया कि देखो बेगम ये मेरी दूसरी बेगम की सूट टंगा हुआ है, उसको हार्ट अटैक हो गया था, बेचारी चली गई। फिर तीसरे कमरे में गए, कहने लगे बेगम ये मेरी तीसरी बेगम का सूट है, ये देखो ये बेचारी कार एक्सीडेंट में चली गई। तो जो चौथी बेगम जो शादी जिसको करके लाए थे, जिसको समझा रहे थे, वो कहने लगे कि जनाब आप बिल्कुल अब फिक्र मत करिए, अपने शौहर से कहती है अब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी शादी मेरे से हुई है, अब अगली बार यहाँ पे शेरवानी टंगी मिलेगी आपको। अब सूट टंगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, शेरवानी टंगी मिलेगी। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और करते हैं गुड नाइट, शब्बा खैर, आपको अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें, हमारे ब्लॉग को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमसे हंसते मिलते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।